हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू शून्य। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिनवेशिया के न्यू बैक ऑफिस के बारे में, जिसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे फिनवेशिया की वेबसाइट पर और फिर उसके बाद ऊपर लॉगिन बटन पर। यहां आपने सेलेक्ट करना है न्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 को। अगर आपने इससे पहले का डिटेल्स देखनी है तो आपको पुराने बैक ऑफिस यानी बिफोर 31 मार्च 2022 पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ लेटेस्ट वाले पर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लॉगिन विंडो पर आ गए हैं, जहां हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। तो आप देखेंगे हम बैक ऑफिस के डैशबोर्ड पर आ गए हैं। तो यहां हम सबसे ऊपर से ओवरव्यू स्टार्ट करेंगे। यहां सबसे पहले ऊपर की ओर लास्ट लॉगिन डेट दिखा रहा है, उसी के साथ यूज़र आइकन पर क्लिक करने पर आप यूज़र की डिटेल्स यहां से देख सकते हैं। उसके बाद साथ में ही टॉगल स्विच दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करने पर आप थीम को टॉग और डे में स्विच कर सकते हैं। उसी के साथ यूज़र नेम पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वहां आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, जिसे आप अपने बैक ऑफिस का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ लॉगआउट का बटन दिया गया है, जहां आप अपने बैक ऑफिस को लॉगआउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्लाइंट डैशबोर्ड पर शॉर्टकट मेन्यूज को, जो कि हैं फाइनेंशियल लेजर, P&L रिपोर्ट, मोर डिटेल्स और व्यू मॉडिफिकेशन स्टेटस। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल लेजर पर क्लिक करेंगे, जहां आपको फाइनेंशियल लेजर की डेट रेंज चेंज करनी है। प्रोडक्ट वाइड स्टेटमेंट को व्यू, PDF और एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको स्टेटमेंट ईमेल पर चाहिए तो ईमेल आइकन पर क्लिक करके आपको स्टेटमेंट आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर रिसीव हो जाएगी। व्यू पर क्लिक करने के बाद यूज़र आईडी और यूज़र का नाम दिखा रहा है। इस स्टेटमेंट को आप एक्सेल और PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे P&L रिपोर्ट्स को, जहां आप डेट रेंज सेलेक्ट करके P&L रिपोर्ट को निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मोर डिटेल्स पर क्लिक करने पर आपको क्लाइंट प्रोफाइल की एक विंडो ओपन होगी, जहां पर आप सेगमेंट डिटेल्स, DP डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स और स्क्रिप्ट वाइज होल्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लेफ्ट साइड के मेन्यू बार में दिए गए ऑप्शंस, जैसे कि रिपोर्ट्स में दी गई हैं इक्विटी बिल्स समरी, इक्विटी ट्रेड कंफर्मेशन, इक्विटी ट्रांजैक्शन लेजर, डेरिवेटिव बिल समरी, डेरिवेटिव ट्रेड कंफर्मेशन, क्लाइंट ग्लोबल नेट पोजीशन, डेरिवेटिव P&L रिपोर्ट, ईयर एंड रिपोर्ट, मार्जिन रिपोर्ट, डेट रेंज, नेट
पीएनएल, स्क्रिप्ट बिल समरी और कंबाइंड टर्नओवर ब्रोकरेज। उसके बाद आप होल्डिंग सेक्शन में होल्डिंग, शॉर्ट डिलीवरीज, ग्लोबल डिलीवरी रिपोर्ट और अनपेड स्टॉक रिपोर्ट जैसी स्टेटमेंट्स आप व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेट पोजीशंस में। नेट पोजीशन डेरिवेटिव, नेट पोजीशन डेरिवेटिव डेट रेंज, नेट पोजीशन इक्विटी डेट रेंज, डेरिवेटिव ट्रेड रिपोर्ट और इक्विटी ट्रेड रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल में फाइनेंशियल लेजर और डिटेल्स फाइनेंशियल लेजर वाइज आप देख सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड में आप साइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट, इक्विटी बिल्स, डेरिवेटिव बिल्स और कॉन्ट्रैक्ट नोट डाउनलोड कर सकते हैं। सीडीएसएल रिपोर्ट्स में आप क्लाइंट मास्टर, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, होल्डिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल लेजर जैसी रिपोर्ट्स को आप व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह था एक ब्रीफ ओवरव्यू फिनवेशिया के न्यू बैक ऑफिस के बारे में। प्लीज कॉन्टेक्ट अवर लाइव चैट एजेंट्स ऑन अवर वेबसाइट और रेज अ टिकट इन प्रिज्म एंड वन ऑफ अवर एग्जीक्यूटिव शैल बी ग्लैड टू असिस्ट।